मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की रहने वाली नुसरत परवीन का दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले T20 मुकाबले की टीम में चयन हुआ है। इसकी सूचना जैसे ही सिंगरौली पहुंची, क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। नुसरत के स्थानीय कोच सहित सभी क्रिकेट खिलाड़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि मार्च महीने की 24 तारीख से साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का T20 मुकाबला शुरू होने जा रहा है। इस मुकाबले के लिए सिंगरौली जिले की बेटी नुसरत परवीन का भी चयन हुआ है। नुसरत सिंगरौली में जन्मी और यहीं पली बढ़ी है और क्रिकेट खेलना उन्होंने सीखा। अब क्रिकेट प्रेमी और उनके कोच बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नुसरत इस टूर में न सिर्फ प्लेइंग 11 में शामिल हों, बल्कि बेहतर प्रदर्शन कर सिंगरौली सहित पूरे देश का नाम रोशन करें। 2011 में निश्चित रूप से साउथ अफ्रीका टीम के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। मैं भगवान से कामना करूंगा कि वो स्क्वाड में रहे, स्क्वाड के साथ साथ वो 11 में खेले और अपने परफॉर्मेंस के दम पर वो आगे भी इंडिया का नाम रोशन करते रहे, सिंगरौली का नाम रोशन करते रहे। NIC के कैंप में के बाद उसका सिलेक्शन हुआ है और उम्मीद करते हैं कि अपना जगह सुरक्षित रखेगी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। 20 तारीख से अफ्रीका का जो दौरा है वो लखनऊ में 3 मैचेज होने हैं, उम्मीद करते हैं कि अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाई और अपना परचम फैला रही है और अच्छी तरह खेले और अच्छा प्रदर्शन करे, जिससे हम और भी उसका भविष्य की अच्छी कामना करते हैं। तो सिंगरौली की बेटी का चयन हुआ है और निश्चित तौर पर इस चयन के बाद सिंगरौली के लोगों के साथ ही नुसरत के कोच भी बेहद खुश हैं, उनके परिजन भी बेहद खुश हैं और ये आशाएं हैं कि प्लेइंग 11 में नुसरत अपना बेहतर प्रदर्शन करें और जीत के साथ ही वापस आए। माता की जय, भारत माता की जय, भारत।